कैनेडा के स्टूडेंट के मापिया नूं सावधान होना चाहिए जां मापिया नूं जिन्हां दे बच्चे स्टडी इन कैनेडा का ड्रीम देखते हैं उन्हां नूं भी कितने ना कितने सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बहुत गलत प्रचार मार्केट दे विच देखण नूं मिलदा सुन नूं मिलदा जो कि कितने ना कितने स्टूडेंट के हकों के लिए सही नहीं है उन्हां बच्चों के लिए भी सही नहीं जिहड़े ऑलरेडी कैनेडा पहुँच चुके उत्थे स्टडी कर रहे हैं उन्हां दे मापिया का यह जिहियां न्यूज़ सुन के दिल टुटदा ते स्पैशली जिन्हां दे बच्चों ने हजे अगे जाना उन्होंने भी कितना कितने राह तो भड़काया जाता। मैं हर बार स्टूडेंट नूं ये बेनती करदा अपना पहला एक राह क्लीयर करो सोच के रखो भी तुसी लाइफ तो चाहते क्यों तुसी स्टडी अब्रॉड का ड्रीम देखते हो तो उसके पिछे परपज की आ अगर तुहाडा परपज है भी आफ्टर स्टडी तुसी वर्क परमिट ते जाना एंड वर्क परमिट तो बाद कितने ना कितने तुहाडे कोल PR दी ऑप्शन भी होवे तां कैनेडा तो वधिया डेस्टिनेशन तुहाडे कोल नहीं है। अगर तुहाडे कोल है भी तुसी सिर्फ स्टडी वीजा लई जाना उस तो बाद साल दो साल तीन साल उस कंट्री च कम करना ते तुहाडे कोल ऑप्शन है तुसी वापस अपनी होम कंट्री भी आ सकते हो बेशक दी तुसी UK जा सकते हो आस्ट्रेलिया जा सकते हो उस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर तुसी UK या आस्ट्रेलिया दे विच ईजी सैटलमेंट देखोगे तो उस दे लई तुसी बहुत बड़े वहम दे विच जा रहे हो तुहानू बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पैनी है। उन्हां स्टूडेंट दे नाल गल करो जिहड़े अज तो 4 to 5 years पहला उत्थे गए सी कि ओह PR हो चुके है तो उही 5 years पहला जिहड़ा बच्चा स्टडी इन कैनेडा का ड्रीम लैके गया सी कैनेडा दे विच स्टडी वीज़ा ते गया सी उन्हां दे नाल भी गल करो तो उन्हां दा की स्टेटस है तुहानू एक्चुअल रिजल्ट अपने आप पता लग जाएगा। हुण की प्रचार किया जा रहा भी कैनेडा दे विच कम नहीं आ एक कोई भी अजिही कंट्री नहीं है जिथे स्टूडेंट नूं जांदे ही कम मिल जाता इस दे विच गलती कितना कितने स्टूडेंट ते जां उस पेरेंट्स की है जो इन्ना सोच के जाते हैं तुसी एक स्टडी वीज़ा ते गए हो स्टडी वीज़ा ते तुहानू 20 घंटे कम अलाउ किया गया वो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ देख के लेबर मार्केट का जिहड़ा रिव्यू देख के किया भी किन्ना कम है किन्ना कम स्टूडेंट कर सकते हैं सो 20 घंटे कम जे अगर बच्चा जाता महीना 2 महीने मेहनत करेगा तो उसनों मिलता ही मिलता सो उस तो उपर भी बहुत सारे बच्चे कैश से कम करते हैं बट उस दे लई बच्चा नूं की करना चाहिए कोई ना कोई स्किल कैनेडा लेके जानी चाहिए है। अपने बच्चे सब तो बड़ी गलती करते हैं वो अपने टाइम नूं यूटिलाइज नहीं करते स्टडी करते उस तो बाद आयल्स करते आयल्स करने तो बाद ऑफर लैटर अपलाई कर लग गए उस तो बाद न्यूज़ चैक कर लग गए इस कॉलेज का ऑफर लैटर किन्ने टाइम चाहो वीज़ा का प्रोसैस किन्ने टाइम चाहो वो अपने टाइम का जिहड़ा सही यूज़ नहीं करते। कोई भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा का प्रोसैस शुरू करता मिनीम उसके को 5 to 6 months होंगे तो 5 to 6 months बहुत होंगे किसी स्किल को सीखने के लिए। तुम कोई भी कम सीखो तुम ऑटोमोबाइल का कम सीखो जिदे हत्थी मेहनत होती हेयर ड्रैसिंग का कम सकते हो हेयर कलर का कम सीख सकते हो नेल आर्ट का कम सीख सकते हो बथेरे अनेक अजे काम है कैनेडा दे विच जिसकी उत्थे बहुत ज़्यादा जरूरत है। 100 बंदे की लाइन लगी भी है काम के लिए मैं हर बार यही गल कहना उस 100 बंदे की लाइन के अपने आप को किवें अलग करोगे फिर ही तुसी एक्सपैक्ट कर सकते हो भी तुहानू काम मिले। हुण जेकर तुहाडे कोल कोई नॉलेज ही नहीं होएगी तो तुसी किवें एक्सपैक्ट करोगे भी तुहानू काम मिले। मैं इस गल दे उपर स्टूडेंट नू हर बार कहना भी तुसी 4 to 5 months मेहनत करो मेहनत करके कोई ना कोई स्किल वो स्किल लैके जाओ तुहानू जांदियां ही काम मिलेगा। अगर नॉन स्किल बच्चे चाहे UK चले जाए चाहे आस्ट्रेलिया चले जाए चाहे कैनेडा चले जाए हर एक जगह पर काम की प्रॉब्लम है बट कैनेडा दे विच जिहड़ी सैटलमेंट आ स्टूडेंट दे लई वो बहुत ईजी है। बहुत मध्य वर्गी परिवार ते गरीब परिवार के बच्चे जिन्होंने कितना कितने अपने राह तो भड़का दिता जाता भी उत्थे कम नहीं है तो अजिही कंट्री के उन्होंने पा दिता जाता जिथे उन्हों का कोई फ्यूचर नहीं है कोई ऑप्शन उस तो बाद नहीं बचती। अगर तुम सैटलमेंट देखते हो तो स्टडी इन कैनेडा ही सब तो वधिया ऑप्शन है तुहाडे लई। धन्यवाद।